बालोद जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पहली बारिश ने गुणवत्ता निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। 3 करोड़ से अधिक लागत से 3 माह पूर्व बनी 5 साल की गारंटी वाली नहर लाइनिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गुंडर देही ब्लॉक के ग्राम भरदाकला से चीरचार तक 8 किलोमीटर नहर लाइनिंग जगह जगह से टूट गई है। गुणवत्ता को ताक में रखकर ठेकेदार के द्वारा कार्य किया गया है। 8 किलोमीटर तक बनी लाइनिंग कार्य में ठेकेदार के द्वारा जमकर अनियमितता बरती गई है। 3.5 करोड़ से अधिक लागत से बनी नहर लाइनिंग में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। इतना ही नहीं, कार्यस्थल पर कहीं भी सूचना पटल की जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई है, जिसके साथ ही जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं निर्माण कार्य जांच के दायरे में है। दरअसल गुंडर देही विधानसभा क्षेत्र में खरखरा मेहंदी पाठ नहर नाली से लाइनिंग का कार्य किया गया है। ठेकेदार के द्वारा मई माह में कार्य को पूर्ण कर लिया गया, लेकिन महज 3 माह में ही सीमेंट से बनाई गई पक्की लाइनिंग जगह जगह से टूट गई है। क्षेत्र के ग्रामीण किसानों में ठेकेदार के द्वारा स्तरहीन कार्य किए जाने का आरोप लगाया गया है। स्तरहीन निर्माण कार्य हुआ है। मई जून के महीने में खरखरा मेहंदी पाठ नहर नाली सीमेंटीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। बेड सोल जो बनाते हैं नाली में से कंक्रीट डालने के पहले, उसमें भी मुरुम का उपयोग नहीं किया गया है। जो थिकनेस, जो मोटाई होनी चाहिए नहर नाली में कंक्रीट की, वो मोटाई भी नहीं है। बनते ही दूसरे दिन गांव के लोग देखे, कई जगह क्रेक होना शुरू हो गया, उसी समय शिकायत किए। लेकिन सिंचाई विभाग के सब इंजीनियर SDO के ध्यान में भी लाए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। ठेकेदार के भी अलग से टेक्निकल हैं थे सब इंजीनियर, टाइम कीपर वगैरह, उनको भी बताए सुधार कर रहे हैं कह के, लेकिन कहीं पर भी सुधार नहीं किए हैं। और जिसका परिणाम ये है कि आज कई जगह नहर नाली टूट फूट चुका है, कई किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं। दी खरखरा पाट परियोजना के अंतर्गत जो सीमेंटीकरण का जो नालियों में, मतलब जिस ढंग से ठेकेदार लोगों का काम हुआ, बहुत घटिया तरह से निर्माण हुआ है। उसमें सीमेंट गिट्टी का भी मतलब लेयर कम है, और वो तत्काल मतलब बनाने के बाद में ही, मतलब कुछ दिनों के बाद में उखड़ना चालू हो रहा है। कई जगह तो उखड़ भी रहा है। कुलापा सही ढंग से लगाया नहीं है, किसानों को सिंचाई के लिए भी सुविधा नहीं है। मैं 2-3 इसके पहले 2023 में भी जो निर्माण हुआ है सीमेंटीकरण का मेन केनाल में, वहाँ भी देखा कि कुलापा को बंद कर देने के बाद में लोग कुलापा नहीं लगाए। कुलापा किसान लोग अपन खुद मतलब उसको तोड़ के मतलब लगाए हैं। कई जगह मतलब उससे नाली का भी डैमेज हुआ, शासन का भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है। कई जगह नाली गहरीकरण होने के कारण किसानों के खेत में सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं जब अधिकारी से इस मामले पर बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। सर, एक मामला आया है जी, बरसात के दिनों में आपकी नहर लाइन टूट गई है ना, 3 महीना पूर्व ही बनने के 3 करोड़ की लागत से बना हुआ नहर लाइन जो खदाकलश निकला है, एक्चुअली क्या हुआ है कि जो नहर लाइनिंग हुई है उसमें खेतों का जो पानी है वो काफ़ी उतर गया। बीच में काफ़ी तेज बारिश हुई थी, तो उसमें जो टूट फूट हुई है उसको हमने ठेकेदार को बोल के उसको बनवा दिया है। उसमें 5 साल की हमारे पास उसकी गारंटी पीरियड है, तो अगर किसी भी प्रकार का अगर टूट फूट होता है तो वो ठेकेदार की जिम्मेदारी लेते हुए उस ठेकेदार को बनाए करने के लिए बोला जाता है। जहाँ जहाँ टूट फूट हुई है उसको अभी हमारे द्वारा संधारण कर दिया गया है। यदि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई और घटना होती है तो इस पे हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। नहर लाइनिंग कार्य को जिस गुणवत्ता के साथ किया जाना था उस गुणवत्ता के साथ नहीं किया गया है। किसानों की माने तो बनने के कुछ दिन बाद ही लाइनिंग में दरारें आना शुरू हो गई थी, जिसकी शिकायत भी जल संसाधन विभाग से की गई थी, लेकिन आज तक सुधार नहीं किया गया। तो वहीं अब जिम्मेदार अधिकारी भी मामले पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए बालोद से देवेंद्र साहू की रिपोर्ट।